मुंबई लोकल ट्रेन रिएक्ट्स टू एप्पल वीएन प्रो। वैसे मुझे इतना ज्यादा नहीं पता होता इतनी चीजों का, सो मेरे लिए तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। इसके अलावा लोगी चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो क्या चल रहा है। इसमें केश वाला एके थकेश अभी हम लोग जा रहे हैं लोकल ट्रेन में विजन प्रो लेके। मेरे को ऑलरेडी नर्वसनेस हो रहा है क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे लास्ट टाइम ट्राई किया था। आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना। बट वहाँ पे पब्लिक मेरे को ऐसे देख रही थी जैसे कोई एलियन हूँ मैं। अब लोकल ट्रेन में तो मतलब मेरे को पता नहीं क्या ही समझेंगे। तो देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। गाड़ी आ गया है, जाते हैं। वैसे क्या व्यू आता है, मैं भी ये बात सोच रही हूँ क्या फील होता होगा। वही सोच रहा हूँ पहन के चढ़ू कि क्या है। इसको पहन के जा रहा हूँ लोकल ट्रेन में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। स्टोरी ना हो जाए बस। कैसा लग रहा हूँ अंकल? पांच फर्स्ट क्लास सीएसटी रिटर्न। पांच सीएसटी रिटर्न, पांच फर्स्ट क्लास। कितना होएगा? 80 का एक है। टिकट ले लिया है। नया वीडियो बना रहा है, इसका ही वीडियो बनाने का ट्रेन में जाके। बोलूंगा ये लिया है मलाड से, फेक फर्स्ट कॉपी है। एप्पल विजन ब्रो मलाड से लिए लो। तू क्यों कर रहा है? मेरा भी विजन ब्रो है। मेरे साथ चलना, मेरे को ज्यादा दिख नहीं रहा है। इतना इशू नहीं आ रहा है। अंदर से दिखाया था फिर भी उतना इशू नहीं आ रहा है इसमें। फिर भी वैसा का वैसा ही है। हाँ? एक ऐप इधर आ गया। वो ये क्या हो रहा है? आप सारी उसमें वो अपनी ऐप्स वगैरह देख रहे हैं। बढ़िया। कौन सा देखा था? इसी का देखा था। अच्छा फोटो निकाल दो। हाँ ले लो, निकाल दो। हाँ ले लो। क्या पहचान लिया? लगे तो खाओ माँ का चम। चलो भाई शिवाजी महाराज मैंने ट्रैवल मोड ऑन नहीं किया ना, तो सारे ऐप्स ना ऐसे जा रहे हैं। ऐसे सब चले जा रहे हैं पीछे पीछे, बैकग्राउंड के सब ऐप चले जा रहे हैं भाई साहब। बीच बीच में बंद हो जा रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ट्रैवल मोड ऑन करना पड़ेगा। अभी मेरे को समझ रहा है इसको ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं किया है। इसका यूज ट्रेन में तो नहीं है जितना मेरे को समझ रहा है। अरे इधर इधर भाई, लेडीज आएगा। चढ़ 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 चढ़। भाई माँ खड़ा रहता हूँ दो मिनट। ये सारी एप्स आ रही हैं ना आ रही हैं। हाँ जितनी आपकी शायद मोबाइल में है। ओके आप मतलब व्यू डिफरेंट कर सकते हो है ना। ओके सच में क्या कंप्यूटर है इसमें ट्रैवल मोड एक्टिव ही रखना पड़ता है। अगर ट्रैवल मोड बंद रखा तो वो जैसे जैसे ट्रेन जाता है उसके बाद एप्स भी चले जाता है। बाय। कुछ भी हो रहा है ये चीज। अगर मैं बाहर देखूँ तो पूरा मतलब ऐसा होता है तिलमिला जाता है। जब फोन में वायरस घुसता है तो पता है कैसा होता है, ये चीज एकदम वैसा हो जाता है। तो मोस्टली ऐसा है कि जो बैकग्राउंड टेबल है ना वही बैकग्राउंड को देखते रहना पड़ेगा। अब एक आध ऐप में ये ट्रेन पे रख दूँ तो ट्रेन लेके चली जाएगी वो ऐप को। ये फोटोज ऐप अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो क्या होएगा देखने दो। ट्रैकिंग फेल्ड, इसमें बहुत ट्रैकिंग फेल्ड आ रहा है बार बार। ये चीज कोई चोरी करके जेब में भी नहीं डाल सकते, आँख से कैसे चोरी करेगा। बट ये है कि ये पहनने के चक्कर में कुछ और पक्का चोरी हो सकता है अगर लोकल ट्रेन में लेके जा रहे हो तो। ऐसा है कि मैं ऐप लेके घूम रहा हूँ पूरा। भाई मीम बनाया यार, आप रिएक्ट नहीं करते हो। कौन सा मीम यार? इतने सारे मीम बनाए लड़कियों के डालते हो। मैं नहीं डालता, ये देखे एडिटर लोग है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता। चलो चलो वॉक करके आते। मेरे साथ चलने में साले सब शर्मा रहे। एक तारीख आने दो सबको, मैं भी शर्माऊंगा। क्या कर रही हो? मुझे शर्म आ रही है। आई एम वंडरिंग लोगों को पता भी है कि नहीं ये विजन प्रो है। साढ़े चार लाख का
चीज लिया फिर भी टीसी पकड़ रहा है, क्या बोलूं अभी? चार लाख। इज दिस नॉट द प्रूफ के मैं ले सकता हूँ? माना शक्ल नहीं है अच्छी। हाँ भाई कैसे हो? कैसा है? रुक जा निकालने दो। यस भाई कैसे? कौन है? मैंने इसे कहीं देखा है? अभी मैं इधर, मेरा ले ले, मेरा ले ले। हम लोग है CST में एंड मैं रावण मूवी का क्लाइमेक्स लगा रहा हूँ। माना जमाना है दीवाना, इसीलिए सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। इतना फनी मिलता है रिएक्शन, लोगों को समझता नहीं है कि मैं उनको देख पा रहा हूँ या नहीं। वो देखते हैं फिर शर्मा जाते हैं, देखते हैं शर्मा जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं है क्या ही देख रहा है। ओ भाई मिल गया मिल गया मिल गया, अभी मैं रावण मूवी का सीन लगाऊंगा। ये देखो ये मैंने इधर डाल दिया। मतलब ये हाथों से छोटा कर सकते हैं? मैं इसको प्ले करूंगा, ये हवा के साथ घूम फिर रहेगा। अब जो ऊपर आंटी है वो आंटी गिरेगी, ये आंटी गिरी, ये ये एक्सपीरियंस अलग है। ओ हो, देखो भाई ट्रेन यहीं से बाहर आ गई थी, अंदर से बाहर आ गई थी ट्रेन। थोड़ा सा इलॉजिकल हो गया बट ठीक है, इट्स नाइस। ये बस पे छोड़ दूँ तो? नहीं बस लेके नहीं जा रहे। अब मैं CST स्टेशन पे बहुत सारे ऐप्स खोल रहा हूँ। अब अगर मैं इतनी भीड़ भाड़ में भी अगर मैं शांति चाहता हूँ तो आपको पता है मैं क्या करूँगा? घुमा दिया बस। अब मैं पहुँच गया पहाड़ों में। अब लिटरली मैं टकरा जाऊँ अगर मैं थोड़ा भी चलूँ तो। भाई ये पहाड़ों से हवा आ रही है, कहाँ से आ रही है? मुंबई की हवा है भाई, मुंबई की। उफ डर गया मैं, सडनली कार दिख गई चलते हुए। रहना, फोटोज ऐप में खोलूंगा, मेरे को बस भर देना है CST स्टेशन ऐप से। और मेरा मुझे ये नहीं समझ आ रही, डिज्नी प्लस खोला, हाथ डिज्नी के मूवमेंट से कैसे हो रहा है? डायनासोर, अरे यार सब बंद हो गया। ये तो टेक्नोलॉजी है। मैंने फाइल यहाँ रख दिया, ईमेल खोला, अब मैं ईमेल रख रहा हूँ इधर। अब मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार यहाँ पे रख रहा हूँ। मैंने ये रख दिया इसके ऊपर, मैंने ये रख दिया इधर। भाई देखो अभी मैं चारों तरफ करना चाहता हूँ। अब मैं नोट्स खोलूंगा। भाई मैं एक सेकंड के लिए डर गया, मेरे ऐप को बस ने उड़ा दिया। रोड क्रॉस करते टाइम उतारना पड़ेगा बस। तो काफी बेटर रिएक्शन आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि लोग ऐसे ऐसे कर रहे, कौन सा रोबोट आ गया। मतलब देखो आई डोंट सी दिस कमिंग इन इंडिया, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ ये इंडिया में कभी आएगा एंड इसमें नॉर्मली लोगों का रिएक्शन होगा। तो ये चीज़ को नॉर्मल होते हुए तो मैं देख सकता हूँ, वो थोड़ा 5 साल बाद की बात है। एंड आई थिंक अगर जो ये चीज़ लेगा वो शायद इतना पब्लिक प्लेस में जाएगा भी नहीं। आई डोंट नो, मे बी वो फ्लाइट में जाएगा, वो कैब में जाएगा, या वो अपनी कार में पीछे बैठ के जाएगा। रुकना पड़ेगा एक सेकेंड। मैं बोल रहा हूँ इसमें ना विजन यहाँ का नहीं दिखता, यहाँ का थोड़ा मुश्किल है दिखना। पैसा कम है, लाओ कूपन तो लेने दे। अच्छा ये लाइन है, पेरिफेरल विजन नहीं है, बहुत फेमस हो रहा है, हेवी हो रहा है, हेवी हो रहा है। लव यू, मेरे पास कोई शब्द नहीं है फिर से। चलो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो मैं YouTube लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं वर्ल्ड के बेस्ट यूट्यूबर के वीडियोस लगाऊंगा फिर से वापस। ये वर्ल्ड के बेस्ट यूट्यूबर का वीडियो लगा रहा मैंने यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगा, वड़ा पाव खाऊंगा। यहाँ पे एक्चुअली मेरे को लग रहा है थिएटर वाला स्क्रीन है, यहाँ पे जितना चाहिए उतना बड़ा स्क्रीन इसको करके यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। साउंड सिस्टम का क्या सीन होता होगा? अंकल हंस रहा है, अंकल देख के हंस रहा है मेरे को। यहाँ पे निशान आ गए हैं, बहुत टाइम तक पहनते हो तो निशान आते हैं यहाँ पे। अगेन जैसे मैं बोला, ब्रेक लेके ये पहनना चाहिए, जितना मैं मूव कर रहा हूँ जनरली कोई अगर ये चीज लेता है तो उतना मूव करते हुए नहीं लेगा। मोबाइल चोर है भाई, अरे देख मैंने ना So I think that's it guys, proper video shoot and बहुत अच्छे reactions मिले हैं and जैसे मैंने बोला ये चीज़ I don't think India में like public में तो कोई पहनेगा because इतना awkward हो जाता है लोग। I don't think इससे ये normalize होगा ये basically India में, but ठीक है। By the way पिछला video मैंने बनाया था using Apple Vision Pro in flight, तो यहाँ पर tap कर लेना। And video पसंद आया तो like करना, share video तो do subscribe and पिछला video मैंने बनाया था Apple Vision Pro using in flight, यहाँ पर tap। अब आकर जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो भाई दुनिया जो है ना आपको बहुत एडवांस एक अलग लेवल पर जो है वो देखने को मेरी है। भाई एप्पल वीजन प्रो जो है ना वो उसके मैंने कुछ लोगों को देखा था, उन्होंने शॉर्ट्स बनाकर अपने शेयर किए हुए थे और वो बैठे बैठे यूँ कर रहे थे, ट्रेन से बैठे हुए हैं, बस से बैठे हैं, लोगों ने देख लिया कि भाई क्या कह रहे हैं। हाँ थोड़ा मतलब लगता है कि क्या हो क्या रहा है, खुद ही बंदा ऐसे 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 हैंड मूवमेंट और उसे ग्लासेस लगाए हुए हैं। सो भाई डिफरेंट तो लगता है, इसमें तो कोई शक नहीं। और स्पेशली हमारे जैसे
लोग जिनको टेक्नोलॉजी का मतलब इतना पता नहीं है उनको तो बहुत ज्यादा लगता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे शायद आपका दिमाग भी थोड़ा घूम ही जाता होगा मौसम। मेरा ख्याल है कि स्टार्टिंग में शायद आपको फील होता हाँ। होगा कि आपका आपका वीएन जो है ना वीएन लगाकर आपका वीएन जो है वो थोड़ा सा घूम रहा है, खासतौर पर जिनकी नजरें शायद थोड़ी बहुत वीक हो तो उनको तो ज्यादा फील होता होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक से दो बार के बाद आप यूज करते होंगे ना तो आप ओके हो जाता होगा। लेकिन हाँ भाई पब्लिक में आप पहनकर इस तरह जाए ना तो लिटरली पब्लिक आपको जो है ना बहुत एक अजीब तरीके से देखेगी कि भाई ये बंदे ने क्या क्या लगाया हुआ है। कुछ लोगों को समझ में वो देख के हंसेंगे आपको कि यार ये इतना बड़ा चश्मा क्यों लगाया हुआ है इसमें। इट्स नॉर्मल क्योंकि जब नई नई चीज कोई भी आती है तो लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। बट मुझे लगता है कि हाँ इसको लगाने के बाद आप अपनी सराउंडिंग से ना थोड़ा वो डिटैच हो जाओगे कि भाई ये हो क्या रहा है यहाँ पर, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा पब्लिक में जरा रिस्की होता है। वैसे वैसे अगर देखा जाए थोड़ा सा मस्त भी है कि अगर आप ट्रेन पर जा रहे हैं ठीक है ना, आपने लगाया पूरे रास्ते आराम से आप मूवी बैठ कर जाए वो देखते जा रहे हैं, आपको टेंशन ही नहीं कोई। ये मैं सोच रही थी साउंड कैसे आता होगा। साउंड हो सकता है आपको भी हैंड फ्री वगैरह कुछ जो उन्होंने तो कुछ भी नहीं लगाया था, मैंने कहा इसीलिए बार बार देख रही थी। वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि शायद आपको जो है ना कनेक्ट करना पड़ता हो, क्योंकि अगर आपने गौर से देखा उसके साथ एक वायर जा रही थी वो शायद किसी मोबाइल के साथ उनके जो है वो कनेक्ट वगैरह हो। मोबाइल के साथ यू कनेक्ट होगी वो तो किसके साथ होगी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मे बी उसके अंदर सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल होता हो वो चार्ज होती हो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। चार्ज तो लाजमी बात है होती होगी, बिना चार्ज हुए वो कैसे चल तो वही तो कह रही मैंने उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो बस 4-4.5 लाख रुपए का लिया है तो वो फिर भी मोबाइल से अटैच करना है की बात कर रहे थे, तो वही तो कह रही फिर भी वो मोबाइल से अटैच होना तो मेरा नहीं ख्याल मोबाइल से अटैच होता होगा। वैसे कुछ भाई कैर भी नहीं सकते, मतलब देख ही लेते पहले हम लोग वाकई में इसके क्या फीचर्स होते हैं। नहीं पर मुझे लगता है कि किसी ना किसी चीज के साथ जो है वो अटैच होता होगा, बगैर अटैच हुए जो है ना वो नहीं, मे बी हो सकता ब्लूटूथ के साथ जो है वो कनेक्ट होता हो, क्योंकि एप्पल की मोस्टली कंपेटिबिलिटी जो है उसके ब्लूटूथ के साथ हाँ। आपको जो है वो चीजें जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन भाई एप्पल ने जो ये एक आइडिया निकाला है ना काफी ज्यादा मस्त आइडिया है यार। हाँ आइडिया तो मस्त है बट मैं बस सोचती हूँ किन लोगों के लिए होता है वैसे, ये, जो टेक्नोलॉजी को ज्यादा पसंद करते हैं उनके लिए, ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट रहना पसंद करते हैं। इतना भी इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, मैं सच बता रही हूँ। मुझे लगता है ठीक है टेक्नोलॉजी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट मुझे लगता है कि इतना ज्यादा भी अगर आप एक प्राइवेसी मेंटेन कर लोगे और अपने मुताबिक एक वर्ड क्रिएट कर लोगे तो फिर आप लोगों के साथ और ज्यादा डिस्कनेक्ट हो जाओगे। हाँ ये भी बात मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा, लेकिन जो है भाई दुनिया जो है मेरा ख्याल है कि अब बहुत ज्यादा चेंज है वो होती जा रही है, आपको टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज्यादा इंजॉय वो होती दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी जो है भाई मेरा ख्याल है, मेरा भी यही ख्याल है कि इतना ज्यादा भी इंट्रोवर्ट जो है ना वो नहीं होना चाहिए। अब पूरी दुनिया के मोबाइल ने पहले ही दुनिया को बहुत ज्यादा डिटैच कर दिया एक दूसरे के साथ, तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें ना और डिटैच कर देगी। इनफैक्ट मैं ये बात बोलूंगी कि हाँ टेक्नोलॉजी में मतलब एडवांस होना बहुत अच्छी बात है, लाइक अभी जैसे कि इंसान क्या क्या कर सकता है, ये एक तरह से इंसान की कैपेसिटी बता रही है कि भाई कि आप क्या क्या इनोवेशन ला सकते हो। बट ये कि हाँ मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी हम लोगों को देखने चाहिए कि जैसे मोबाइल बहुत काम का है लेकिन हम काम का उसको रखते नहीं है, हम एक्चुअली में टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम इंसानों की है कि इंसान उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है ना कि फिर जो है ना कि हम उसको बोलते हैं कि भाई इसके आने से ये चीज़ें हो गई वो चीज़ें हो गई, बट हम ये नहीं सोचते कि हम उसके साथ कितना जुड़ जाते हैं कि हम किसी और को टाइम ही नहीं देते। लेकिन खैर भाई यहाँ पर मैं बात बोलूँगी कि ये बहुत ही कोई आविष्कारी चश्मा मुझे लग रहा था, सच बता रही हूँ। ये वो वाला चश्मा ना हो कहीं वो जो हमने बादशाह मूवी में देखा था यार। बट मैं एक बात बोलूँ बादशाह मूवी में छोड़ो, मैं कहती हूँ मिस्टर इंडिया वाली बात करो सीरियसली, मुझे तो लगता है एक टाइम आना कुछ आपको ना इस तरह वाला भी चश्मा देखने को मिल जाना। रिसेंटली जो है ना याद आया, इस आपकी घड़ी वाली बात से याद आया, चाइना ने जो है ना एक वो बनाया है एक चीज इस तरह की बनाई कि उसके पीछे आप खड़े हो जाए ना तो आप गायब हो जाते हैं। हाँ 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 बिल्कुल मैंने देखा है वो हाँ, एक ऐसे पता नहीं क्या चीज है कपड़ा टाइप exactly, वो कपड़ा सा हाँ, है और इसके हाँ, तो आप गायब हो जाते हैं, तो आप उम्मीद रखें इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। नहीं मुझे ये टाइम नहीं देखना, मुझे डर लगता है ऐसे टाइम से। मजाक कर रही हूँ। एनीवे गाइस ओवरऑल लोगों की काफी एंटरटेनिंग वीडियो थी, मजा आया देखकर, लोगों को देखकर और जो लोगों का एक रिएक्शन जा रहा था और जो इसके फीचर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता चलता है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी कैसी कैसी है और क्या क्या फीचर्स हैं उनके। सो मेरे लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट इम्पोरियम मॉल में वो क्या है ग्लासेस, मतलब मुझे वी आर ग्लासेस हैं, तो मैं हमेशा सोचती हूँ जब भी ग्रॉसरी करने जाती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि मैं इस मर्त पर जाकर जरूर ट्राई करूंगी।
उससे पहले मैंने पैकेजेस मॉल में किया था ट्राई, तो वो तो बच्चों वाला तो मेरे दिमाग में चक्कर आना शुरू हो गए थे क्योंकि वो उसके अंदर गेम चल रही थी। वैसे चक्कर नहीं, दिमाग में चक्कर आ रहे थे इनके। हाँ, मेरे दिमाग को चक्कर आ रहे थे। सो अभी इधर जाकर मैं ट्राई जरूर करूंगी और फिर देखूंगी भाई कैसे, क्योंकि उसको भी मैंने देखा जब काफी सारे लोग यूज कर रहे होते हैं ना, तो जो हरकतें कर रहे होते हैं ना बाकी सारे उनको देखकर हंस ही रहे होते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी हंसूंगा आपको। मैं ट्राई जरूर करना चाहती हूँ। एनीवे गाइस, आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी के क्या क्या फायदे हैं, आई मीन बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और क्या क्या डिसएडवांटेजेस आपको नजर आते हैं। और ये जो हम लोगों ने आज एक स्पेशल आप कह लो कि एक आप कह लो क्या इसको बोलेंगे मौजम ग्लासेस ही हैं, आपको क्या इसका फायदा जो है वो नजर आता है कि मतलब क्या उसका रोल, इसके फायदे क्या है हमें ये बताइए। हाँ, रोल क्या है इसका इंसान की जिंदगी में बेहतरी लाने का, वो मैं पूछना चाहूंगी। और इसी के साथ गुड बाय।